मध्य प्रदेश में आज से यानी 1 अप्रैल से नई शराब नीति लागू हो गई है। आज से प्रदेश के सभी शराब आहातों में ताले लग जाएंगे और नए आहाते खोले जाने के लिए अनुमति नहीं मिलेगी। अब प्रदेश के शराब दुकानों के पास संचालित करीब 2600 आहाते उन लोगों के लिए यादें बन जाएंगे जो यहां बैठकर जाम छलकाते थे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज के दिन को मध्य प्रदेश के लिए ऐतिहासिक दिन बताया है। मध्य प्रदेश में आज से नई शराब नीति के तहत लागू नियम प्रभावी होंगे। इस नीति के सबसे अहम नियम के तहत आज से शराब दुकानों में संचालित शराब आहाते और शॉप बार बंद हो जाएंगे। लोग अब शराब दुकान के पास शराब नहीं पी सकेंगे। नए आहाते खोलने की अनुमति नहीं होगी। स्कूल कॉलेज धार्मिक स्थलों से 100 मीटर की दूरी पर शराब की दुकानें होंगी। नई शराब नीति के तहत ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित होने का भी प्रावधान है। यदि कोई शराब पीकर वाहन चलाता पकड़ा गया तो उसे 10 रुपए का जुर्माना देना होगा। दूसरी बार फिर वही व्यक्ति शराब पीकर वाहन चलाते मिला तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित कर दिया जाएगा।